आज मैं कुछ और करूंगी। कमाल है, दरवाजा खोलो और कोई है ही नहीं। लगता है अपुन के घर पे किसी भूत प्रेत का साया है। क्यों? अरे यार, ये दरवाजा खुला और खोलने वाला है ही नहीं। पागल, तेरे पीछे ये हटेली खड़ी है। भाई लोगों का मजाक उड़ा रही है। क्यों? किसी कानून में ऐसे लिखा है कि हम लोग भाई लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं? हाँ। मैं ना राम जेठमलानी को फोन कर रही हूँ। केस होने से पहले मैं कोई अच्छा वकील रोक लेना चाहती हूँ। देख स्वीटी, अपुन की खोपड़ी पहले से ही खिसके लिए। एक राड़ा अपुन करके आया है, दूसरा राड़ा मत करवा। किसे वो राड़ा? ए, तू ऐसे ही टूटी फूटी है, राड़े के बारे में सुनकर क्या करेगी? हाँ बस बस बहुत हो गया। तू बता ना क्या हुआ? अरे अपुन की गली के नुक्कड़ का वो बनवा रही है ना। हाँ, जिसकी बीवी के मुंह पर 500 ग्राम मेकअप हमेशा लगा रहता है। 500 ग्राम मेकअप? हाँ, उसकी बेटी मेरे साथ पढ़ती है। एक दिन पेरेंट्स डे के फंक्शन में इतनी बारिश आई, सब भाग गए और वो रोने लगी। क्यों? कहने लगी मेरी मम्मी घूम गई है। क्यों? उसकी माँ पानी में बह गई क्या? हाँ। नहीं, वो मेकअप धुल गया ना, उतना चेहरा बदल गया कि कोई इसे पहचान ही नहीं पाया। राधिका, ये जरा ज्यादा हो रहा है। काजल, तू बता ना, तेरा उससे झगड़ा क्यों हुआ? अरे यार क्या हुआ, बनवारी अपनी बीवी को बैंडस्टैंड घुमाने ले गया। दोनों चट्टानों पर बैठकर घुटर घू कर रहे थे, इतने में किसी ने आकर उनको लूट लिया। अपुन शराफत से पूछने गया कि भाई क्या हुआ, तो अपुन पर बरस पड़ा। मेरे ख्याल से वो बनवारी है ना, अपनी हाफ सेंचुरी पार कर गया है। और उसकी बीवी हेमा मालिनी के 2-4 साल पहले ही पैदा हुई होगी। फिर भी दोनों बैंडस्टैंड में रोमांस कर रहे थे। और क्या करेंगे, घर में बड़े बच्चे हैं, उन पर बुरा असर ना पड़े इसलिए बैंडस्टैंड घुमाने ले गया। कमाल है, हमारे यहाँ तो माँ बाप के बूढ़े होने की उम्र बच्चों की उम्र से डिसाइड होती है। हे भगवान, मुझे भी बनवारी जैसा पति देना जो मुझे बुढ़ापे तक प्यार करे। हाँ यार, आम आदमी तो शादी के 5 साल बाद ही सचिन तेंदुलकर से विनोद कांबली हो जाता है। सही कहा राधिका तुमने, अब हमारे घर में ही देख लो, हमारे डैडी रोज सुबह मुर्गे की तरह बीना बीना के नाम की बम पुकारते हैं और मम्मी कहती है क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। एग्जैक्टली यार, हमारे घर में कभी ये सीन हुआ ही नहीं है जहाँ डैडी आके मम्मी को कहे बीना जी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और मम्मी कहे चलो हटो, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। एक्चुअली हमारे मम्मी डैडी की लाइफ रवि राय की सीरियल की तरह एक ही जगह पर हमारी वजह से घूम रही है। हमारी वजह से? क्यों भाई? स्वीटी, हम लोग उन्हें इतना टेंशन देते रहते हैं, वो हमारे टेंशन में से बाहर आएंगे तो एक दूसरे के दिलों में झांकेंगे ना। सही कहा काजल तुमने। भाई तुम तो सुनील शेट्टी की तरह एक्शन सीन करते करते इमोशनल सीन करने लगी। वाह, हमें हमारी मम्मी डैडी की लाइफ में नए रंग भरने चाहिए। दफर, हम लोग क्या रोमांस की बात कर रहे हैं और तू रंग की दुकान खोलने निकली। स्टूपिड, रंग भरना मींस हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे मम्मी डैडी रोमांटिक हो जाए। कुछ नहीं, उन्हें हर रोज 2 घंटे के लिए मेरे से ट्यूशन लेने पड़ेंगे। स्वीटी, उन्हें रोमांटिक बनाना है, चालू नहीं। हम एक काम करते हैं काजल, हम डैडी के दिमाग में डाल देते हैं कि वो देवानंद की तरह एवरग्रीन है। ए, हमारे डैडी काले है, ग्रीन नहीं है। ए, तो चुप बैठ, समझी ना। अरे नहीं यार मीनाक्षी, कहीं उन्हें सचमुच ये गलतफहमी हो गई कि वो देवानंद है और उन्होंने किसी बड़े दांत वाली जीनतवान जैसी डुप्लीकेट लेकर मैं 16.5 बरस की बनाने में अपना घर द्वार बेच डाला तो। मेरे पास एक आइडिया है लेकिन थोड़ा रिस्की है। बोल। मैंने पढ़ा था कि आदमी का घर के बाहर लव अफेयर होने की संभावना हो तो वो घर में ना एक्स्ट्रा रोमांटिक हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं राधिका? हाँ, मर्द अपनी बेवफाई छुपाने के लिए अपनी पत्नी की तरफ और झुक जाता है। अरे यार, लेकिन इसके लिए तो बापू का लफड़ा करवाना पड़ेगा। बोलो, इसे कहते हैं फ्री गिफ्ट के चक्कर में फालतू की शॉपिंग कर लो। हाँ, और डैडी तो घर का चक्कर पूरा नहीं करते, बाहर का चक्कर कहाँ से चलाएंगे? चक्कर चलाएंगे नहीं, हम चलवाएंगे। कैसे? अरे हमें बस एक लड़की ढूंढनी है जो हमारे डैड के साथ प्यार का नाटक करे। डैड जैसे ही घर में रोमांटिक हो जाएंगे हम उसे गायब कर देंगे। बहुत बड़ा लोचा आ जाएगा अगर वो लड़की गायब होगी और डैडी उसके गम में देवदास बनकर बेवड़ा मारने लगे तो। नहीं नहीं नहीं, ठुकराया हुआ आदमी घर में और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। अरे यार, प्लान है तो रिस्की लेकिन भाई लोगों का तो काम ही है रिस्क लेना। हाँ, और डैडी मम्मी की भलाई के लिए अगर थोड़ा रिस्क लेना भी पड़े तो क्या हर्ज है। अब हमें वो लड़की ढूंढनी होगी जो डैड के साथ नाटक करेगी रोमांस का। मेरे पास है।
लड़की? तेरे पास कहाँ से आई लड़की? अरे छोटी कह रही थी सी विंग में एक नई स्ट्रगलर एक्ट्रेस आई है, हम उसे पटाएंगे और कहेंगे अगर उसने ये काम कर दिया तो हम सीधा उसे सावन कुमार टाक की फिल्म मदर में डॉटर का रोल दे देंगे। यस! स्ट्रगलर एक्टर्स होते हैं ना सुबह सुबह अपने फोटो का डब्बा लेकर सारे प्रोड्यूसरों के दरवाजे पे चले जाते हैं फेरी करने। हाँ, पहले एक्टर्स लोग फेरी लगाते हैं और उसके बाद उन्हीं के घर पर प्रोड्यूसर फेरी लगाता है। हाँ, हाँ। एक मिनट देखिए, वैसे आपकी शक्ल अच्छी है ना। हाँ, आगे चलकर नाक कान कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक कान? हाँ, वो आजकल हीरोइनों में ट्रेंड है ना, कोई अपनी नाक छोटी कराता है, कोई होंठ बड़े कराता है। छोड़िए, ये बताइए आप लोगों का मेरे घर आना कैसे हुआ? एक मिनट, अपन बताता है, पहले इंट्रोडक्शन कर लेता है। हाँ। आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप काजल भाई, ये मीनाक्षी देवी, ये स्वीटी जी। नहीं नहीं नहीं, स्वीटी जी नहीं, स्वीटी। और ये राधिका। अरे आप तो हम सबको जानती है, आपको किसने बताया? ऐसा एक दिन नहीं बीतता सोसाइटी में जिस दिन आप लोगों की चर्चा ना हुई हो। और दूसरा, छोटी मेरी सहेली है। क्या बात कर रही है, छोटी तेरी सहेली है? हाँ, मैं बंगाली हूँ ना, जब कभी कलकत्ता से रसगुल्ले आते हैं तो छोटी उन्हें चखने के लिए आ जाती है। माय गॉड, देख लेना ये छोटी एक दिन दिल्ली तक कनेक्शन निकालेगी। क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आप लोगों की? हमारे पैर दबाओ। क्या बकवास कर रही है? इन्होंने कहा ना, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? ए चुप बैठ, समझी ना, एक्चुअली है ना हम लोग तेरी खिंचाई करने के लिए आए थे। हाँ, मगर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि छोटी ने रसगुल्लों के चक्कर में ऑलरेडी 500 बार आपकी खिंचाई कर दी होगी। नहीं छोटी ऐसी नहीं है, वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, एक्चुअली हम ना आपकी मदद लेने आए थे। I'll be obliged. कहिए क्या करना होगा मुझे? हमारे डैडी के साथ लफड़ा करना होगा। क्या? देख मैं तुझे बताती हूँ, तुझे हमारे डैडी के साथ प्यार का नाटक करना होगा। क्यों? एक्चुअली ना हमारे मम्मी डैडी के लाइफ से रोमांस बिल्कुल चला गया है, अगर डैड का कहीं बाहर अफेयर होगा तो वो घर पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आदमी का बाहर अफेयर होता है तो घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे यार, हम लोग ये नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मैं आपके इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि एक 5 बेटियों के बूढ़े बाप के साथ मेरा अफेयर चल रहा है तो हीरोइन तो रहने दीजिए, कोई मुझे हीरो की बहन का रोल तक नहीं देगा। यही मार खा गई ना आप। अगर मार्केट में पता चले कि एक पुराने चावल के साथ आपका इलू इलू हो रहा है तो सारे बूढ़े प्रोड्यूसर्स है ना, वो आपको रोल देने आ जाएंगे। मैं हीरोइन अपने टैलेंट पे बनना चाहती हूँ, किसी को लिफ्ट देकर नहीं। आप बोरिंग, यानी तू नहीं करेगी? नहीं। तेरे को मालूम है भाई लोग को ना करने का नतीजा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी आप, मुझे मार डालेंगी? हम स्ट्रगलर्स तो रोज मरा करते हैं और मैं मौत से नहीं डरती। लगता है इसे हकीकत बतानी होगी। ए मीनाक्षी, पहले तू मुझे एक बात बता, तू इसे कौन सी गप हकीकत के नाम से सुनाने वाली है? चुप करेगी? चुप करेगी? चुप। सोचो सुने ना, तुम्हारे डैडी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को छोड़कर सन्यास ले ले तो? लेकिन मेरे डैडी सन्यास क्यों लेंगे? पर हमारे डैडी तो ले रहे हैं ना। हाँ, वो प्यासा फिल्म के गुरु तक बन गए हैं, बोलते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक्चुअली डैड ना भी रूटीन लाइफ से तंग आ चुके हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में ना बदलाव चाहिए। जफर, पहले बताना चाहिए था हम डैडी के कमरे के पर्दे और पिलो कवर्स चेंज करवा देते। एक्चुअली सुने ना, हम लोग चाहते हैं कि हमारे डैड की जिंदगी में उम्मीद की लहर दौड़े, उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें भी कोई चाहता है तो शायद वो संसार में रह जाए। हाँ, वरना मेरी शादी न होने का पाप आपके सर पे आ जाएगा। तो पता है आजकल साधुओं की इमेज शैतानों जैसी हो गई है। आप लोग सच कह रहे हो? सच्ची हमारी मरी हुई बड़ी माँ की कसम। कितनी शानी है ना, झूठी कसम लेनी थी इसके लिए मरी हुई बड़ी माँ की कसम खाई इसने। तो चुप कर ना, तो इसकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तो अब थोड़ी सी हटेली हूँ मैं। देखिए मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे आप लोग ही बचाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। सो डन डन। यस। घर पे आते हुए मुझे इतना डर लगा रहता है जितना दुनिया भर के बॉलरों को जयसूर्या के सामने बॉलिंग करते हुए लगता होगा। पता नहीं मेरे बच्चों ने घर में क्या पंगा खड़ा कर दिया होगा। कौन कर रहे हैं? कोई नहीं। मैं आप ही को बुला रही हूँ आनंद जी। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी तो कल्याण जी भाई के साथ
लिटिल वंडर कर रहे हैं। मेरा नाम आनंद माथुर है। जानती हैं आप? कैसे जानती हैं? पता नहीं, जानती हैं आप? आपकी घड़ी में वक्त क्या हुआ है? इसलिए आपने किया। देखिए मेरे घड़ी में अब शाम के 6 बजे। आपकी ये घड़ी मिली कहाँ से है? ससुराल से। घड़ी ससुराल वालों ने दी है मुझे। ससुराल? मेरा मतलब है रेडियो टाइम से या रेलवे टाइम से? देखिए रेलवे कभी टाइम पे चलती नहीं, और रेडियो तो मैंने बरसों से कभी सुना नहीं है ना। और कुछ पूछ रहे नहीं है ना? नहीं। कल शाम को आप क्या कर रहे हैं? क्या दिल तो पागल है, देखने चलिएगा। कि मैं पागल लग रहा हूँ? चेहरे से मैं पागल लग रहा हूँ? देखिए बहन जी, वो मेरी सबसे छोटी बेटी कि यहाँ वहाँ घूमती होगी, उसने अगर मुझे तुमसे बातें करते हुए सिर्फ देखा तो मेरी हालत हमेशा हमेशा के लिए हमेशा पिक्चर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे हो जाएगी। जयराम जी की। अरे सुनिए तो। मैं बह रहा हूँ, सुनिए तो। क्या बात है बापू, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं खुश नजर आ रहा हूँ मैं? और क्या, डेटिंग पे जाके आए टीनेजर जैसे चकल लग रही है आपकी। हाँ। क्या बकती है तू? हाँ आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम किसी लड़की को मिलकर आए। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। बीना क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना, ये लोग मुझे सता रहे हैं। बुरी बात, तुम्हारे डैडी थके आ रहे आए हैं, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाने दो तो? फिर सता लो, मजा भी आएगा। हाँ, क्या? हाँ, थके आ रहे घोड़े पर सवारी करने का क्या मजा। हाँ, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी नारी। हेलो। हेलो, हेलो, क्या हो रहा है? फोन पे कोई गाना बजा रहा है। तुम मेरे ओ, आदत हो डैडी, लगता है किसी अंजला जवेरी का फोन है जो आपको चंद्रचूड सिंह समझ रही है। जा उस चुड़ैल का फोन, मैं उसकी चोटी खींचकर जमीन पे रगड़ूंगी। माँ फोन पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, मुझे क्या पता, तुम जल्दी से चाय बनाओ, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। जरूर वो टाइम पूछने वाली का ही होगा। आपकी घड़ी में वक्त क्या हुआ है? लगता है बिना को सच सच बता दूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? इस कमरे में मैं नहीं होगी तो और कौन होगा? अरे तुम, मैं समझा क्या हो गया मुझे पता नहीं। देखो तुम दीवार से बातें करते हो, वो तो मैं चलाती हूँ। अब तुम इस कमरे में मुझसे ऊट पटांग सवाल पूछोगे ना तो मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगी। कूदने के पहले आवाज देना ताकि लोग मैदान साफ करें, नहीं तो जिस पर गिरोगी वो कभी उठ नहीं पाएगा। तुम तो चाहते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। अरे क्या पागलों जैसी बातें करती है तू? ताकि तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे हो गाना गाने वाली, दिल तो पागल है गाना गाए। दिल तो पागल है का नाम मत लेना, सो जा चुप जा। दुनिया की पहली औरत है जो रोते हुए गुड नाइट कहती है। कमाल। हेलो, हेलो, गुड नाइट। ए गुड गुड, कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? कौन हो तुम? किसका फोन था? गुड नाइट का। गुड नाइट का? नहीं नहीं, गुड नाइट
फिल्म वालों का जो हमारे कंपनी के साथ कुछ डील करना चाहती है। क्या है, कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है ना उन्होंने, तो याद कर ले कि उन्होंने फोन किया था, सो गई, चलो मैं भी सो जाता हूँ, बोलने से कोई फायदा नहीं, जागने से कोई फायदा नहीं। लंची नागिन निकाली ना गोपा डॉक ये पुलिस डॉग की तरह सुन क्या रही है तू? मैं देख रही हूँ आपने कोई परफ्यूम वर्फ्यूम का नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि लफड़ेबाज लोग अक्सर खुशबू पे ज्यादा स्पेंड करते हैं। क्या? आप टीवी नहीं देखते? गर्लफ्रेंड को हमेशा पसीने की बदबू से प्रॉब्लम होती है, बीवियों की तो जैसे नाक ही नहीं होती। बिना बिना मेरी बैग लाओ जल्दी, नहीं तो मैं बापू जा रहे हो। तुम कहो तो ना जाऊं। नहीं नहीं, आप घर बैठ जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? मेरा सर, मैं घर में बैठ जाऊंगा तो और क्या कर सकते हो तुम लोग? लेकिन अगर आप बाग नहीं गए तो वो आपसे कैसे मिलेगी? हाँ, वो कौन? वो आपकी तनख्वाह कैसे मिलेगी? हाँ। ए जानू संभाल ना, मुझे लगता है इन लोगों ने फिर से कोई ड्रामा रचा है तुम्हारे लिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा बिना, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम देख कर चलना, कल भी दुनकी में कीचड़ में अपने जूते खराब करके आए हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोज तुम 9 बजे निकलते हो। अच्छा? आज जब 7:15 बज गए तो मैं घबरा गई। हाँ? मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। मेरी माँ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? यूं समझ लीजिए दिल के हाथों मजबूर हूँ। अच्छा, तेरे दिल को मजबूर होने के लिए सिर्फ मैं ही मिला? वैसे मैं ही पहले से बहुत मजबूर हूँ ना। वो मैं कुछ नहीं जानती। हाँ? अगर आज शाम को तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं चले। हाँ? तो मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। क्या? हाँ, और मैं तुम्हारे घर वालों को ये बताऊंगी कि ऑफिस से लौटते वक्त तुम मुझे रोज लिफ्ट दिया करते हो, मुझे प्रेजेंट्स भी भेजते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो घर वाले मुझे। ठीक है, तो ये रखो टिकट। टिकट? शाम को थिएटर पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ आ जाऊंगी तुम्हारे घर पर। बाय। भगवान, ये क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं?